हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजौली में। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले बाइक के रिलेटिव आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बाइक के रिलेटिव आज हम कुछ नया सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख रहे होइएगा, ये TVS कंपनी का अपाची RTR 160 4 भी है। ये 4 बल्ब का बाइक है, ये न्यू मॉडल वाला है, BS4 वाले वेरिएंट बाइक है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ये जो बाइक का जो चैन है, इस चैन को आप यहाँ पे देख रहे हैं कितना अच्छा से हम क्लीन किए हैं। चैन को क्लीन कैसे किया जाता है, इस टॉपिक पे मैं वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर के मेरा वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अपाची में 2 तरह का चैन आता है। आपको एक चैन जो आता है उसमें यहां पे आप देख रहे हैं, ये जो एक चैन है, शायद आपको कैमरा में दिख जाए, यहां पे ओरिंग लगा हुआ है चैन में, आप देख रहे होइएगा, इस चैन में ओरिंग लगा रहता है। और एक जो चैन आता है उसमें ओरिंग नहीं रहता, बेल्ट ओरिंग का चैन रहता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बात करने वाले हैं जो चैन में स्प्रे मार देना चाहिए या गियर ऑयल देना चाहिए, कौन सबसे बेहतर रहेगा जिससे चैन जल्दी ख़राब नहीं हो। बहुत से भाई लोग बोलते हैं कि बाइक का चैन सेट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, देखिए मेरे पास 2 अभी चैन स्प्रे है, आपको हम दिखला रहे हैं। एक तो ये जो है मेरे पास कैस्ट्रोल कंपनी का चैन ल्यूब है, इसको चैन ल्यूब भी बोलते हैं। और एक तो ये जो है भिस्टा कंपनी का चैन ल्यूब है, दोनों का आपको प्राइस दिखला रहे हैं। देखिए, ये भिस्टा कंपनी का जो 145 रुपया इसका प्राइस है, और ये कैस्ट्रोल का जो है यहाँ पे, इसमें आपको ये 400 ml का है और इसका प्राइस 599 रुपया, आप यहाँ पर देख रहे होइएगा। तो फ्रेंड्स, बाइक में चैन जो है इसमें स्प्रे करना चाहिए या नहीं, और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मेरे पास है गियर ऑयल, 90 नंबर का गियर ऑयल यहाँ पे आप लिए। तो फ्रेंड्स, हम एक चीज़ और आपको बतला रहे हैं, ये जो चैन स्प्रे जो है, हम जब भी चैन को ऐसे स्प्रे करते हैं ऐसे, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप देख रहे हैं इसमें चिपचिपाहट आ जाता है, आपको दिखला रहे हैं, देखिए इसमें ऐसे चिपचिप करने लगता है। इससे क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाता है, इससे चैन से साउंड आने लगता है। तो फ्रेंड्स, हम चैन में स्प्रे का यूज नहीं करेंगे, इसके जगह क्या यूज करेंगे ये हम आपको बतला रहे हैं। देखिए, आपको फिर से हम देखिए यहाँ पे कैसे फुन फुन हो रहा है, देखिए इससे क्या होता है कि बाइक का इसमें जब इस पर जैसे डस्ट बैठेगा तो चिपक जाएगा इसमें, इसके बाद चैन से बहुत ज़्यादा झरझर का साउंड आने लगेगा, इस स्प्रे को बिल्कुल नहीं यूज करना है। देखिए मेरे पास जो है ये गियर ऑयल जो है, इसमें देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप इसको चैन में बिल्कुल दे सकते हैं। ओरिंग वाला चैन है, बेल्ट ओरिंग है, जैसे अभी रॉयल इनफील्ड जो बाइक आ रहा है, बुलेट, अपाची है, जो भी बाइक है, आप उसमें ये जो गियर ऑयल है आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा चैन में। मैं बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ। अब देखिए, इस तरह का एक ठो कुप्पी ले लीजिएगा, इसमें मैं भर करके रखा है पहले से, हम देख सकते हैं इसको कैसे डालना है ये भी हम बतलाएंगे। इसके लिए सबसे पहले बाइक को स्टार्ट कर दीजिए और एक गियर लगा दीजिए, फर्स्ट गियर है, गियर लगा करके फिर इसको डालना है। चलिए, हम आपको बतला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरा बाइक स्टार्ट है, हम इसको चैन को ल्यूब करने वाले हैं। इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल देना है, इस तरह से आप चैन को ल्यूब कर सकते हैं गियर ऑयल से। इसमें चैन में स्प्रे बिल्कुल मारना ही नहीं है, नहीं तो आपका बाइक का चैन जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइए, और चैन के या कोई भी बाइक के रिलेटिव जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।